हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं जब भी बॉक्स पजल्स आता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी सेम क्वेश्चंस आता है, पजल रिलेटेड, बॉक्स रिलेटेड क्वेश्चंस, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इन सबको नंबरिंग कर देंगे। मीन्स ये इसको ए, इसको बी, सी एंड डी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस पार्ट का एक क्वेश्चन बना लेंगे हम लोग। ये क्या हो जाएगा, ए प्लस सी इक्वल्स टू ट्रिपल टू, ये एक इक्वेशन बन गया। अब सेकेंड क्या बनेगा, ये वाला बी प्लस डी इक्वल टू 14, बी प्लस डी इक्वल्स 14। क्लियर है, ये दो बनने के बाद अब क्या करेंगे हम लोग, इस साइड को लेंगे। ये क्या आ जाएगा, ए डिवाइड बी इक्वल्स 23। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल्स टू 23 बी। ये हो गया इक्वेशन नंबर थ्री। ठीक है, सिमिलरली इसी टाइप इसको भी करेंगे, सी डिवाइड डी इक्वल्स 13। इतना समझ में आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसको भी हम लिख सकते हैं, सी इज इक्वल टू 13 डी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फोर। ठीक है, देखिए सी का वैल्यू निकल गया, ए का वैल्यू निकल गया, फर्स्ट वाला पुट कर देते हैं इसको। तो ए की जगह में क्या लिख सकते हैं हम लोग, 23 बी प्लस सी की जगह में 13 डी इक्वल्स 13 × 2 = 22 इक्वल्स 222। ये बन गया हमारे क्वेश्चन नंबर फाइव। क्लियर है यहां तक, देखिए इक्वेशन नंबर फाइव बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर टू में मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, 23 23 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -23 इक्वेशन टू में लो -23 कर देंगे, क्या हो जाएगा, -23 बी प्लस माइनस माइनस 23 डी इक्वल्स 14 × 23 हो जाएगा 322 -322। यहां तक क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सिक्स। अब इक्वेशन सिक्स एंड इक्वेशन फाइव को हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। मीन्स 23 बी प्लस 13 डी इक्वल्स 222 एंड -23 बी -23 डी इक्वल्स -322। देखिए इस केस में ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, -10 डी इक्वल्स -100। ठीक है, तो डी का वैल्यू क्या आ गया आपके पास, डी का वैल्यू 10 आ गया। मींस डी का हमारा वैल्यू, डी की जगह में क्या आ जाएगा, 10। देखिए डी की जगह में 10 है तो कितना इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 10 से, जो 13 आएगा। मींस सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 130। 130 डिवाइड बाय 10, 13 आएगा। क्लियर है, उसी तरह देखिए ये 10 है, 10 में क्या ऐड करेंगे, जो 14 आएगा, 10 में 4 ऐड करेंगे तो अपना बी का वैल्यू क्या आ गया, 4। क्लियर, अब देखिए यहां पे 130 है, यहां पे ए है, यहां पे 222 है, तो 130 में कितना ऐड करेंगे, तो 222 आएगा। 130 में हम लोग 92 ऐड करेंगे,
तो एक ही जगह में क्या आ जाएगा, 92। लेकिन 92 में 130 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 222। 92 को 4 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 23। तो इसके सवाल बॉक्स का वैल्यू क्या आ गया, 92 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स 23। 92 प्लस 130 इक्वल्स टू 222। 4 प्लस 10 इक्वल्स टू 14। 130 डिवाइड बाय 10 इक्वल्स टू 30। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए इसी टाइप का इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को और जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि इसी टाइप का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिलता जाए। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।